सिद्धू मूसेवाला कतल कांड नाल जुड़ी वड्डी खबर। शार्प शूटर दीपक मुंडी नूं गिरफ्तार करके पेश किया गया मानसा अदालत। मानसा अदालत ने दीपक मुंडी नूं भेजा 7 दिनां दे पुलिस रिमांड ते। दीपक मुंडी दे दो साथियों नूं भी भेजा गया 7 दिनां दे पुलिस रिमांड ते। मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला कतल कांड च फड़े गए शूटर दीपक मुंडी नूं मानसा अदालत ने 7 दिनां दे पुलिस रिमांड ते भेज दिता है। दस दिए कि मुंडी नूं अज मानसा अदालत च पेश किया गया सी अते कहा जा रहा है कि पुलिस उसका 10 दिन का रिमांड की मांग करेगी, पर अदालत ने 7 दिनों का रिमांड दिता है। मुंडी तो इलावा कपिल पंडित अते राजेंद्र का भी 7 दिनों का पुलिस रिमांड मिलिया है। अते इस पूछगिछ दौरान अहम खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि मुंडी सिद्धू मूसेवाला कतल कांड विच शामिल आखिरी शूटर है। मुंडी तो ही पता लगेगा कि किसने यह सारी साजिश रची सी अते किस किस व्यक्तियों ने इस च मुख भूमिका निभाई सी। इस तो इलावा बाकी हथियारों बारे भी मुंडी कोलों जानकारी हासिल की जाएगी। सूत्रों मुताबिक कहा जा रहा है कि शूटर मुंडी नूं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सामने बैठा के इस सारे मामले दी पूछगिछ की जाएगी। जिक्रयोग है कि बीते दिनी शूटर दीपक मुंडी, कपिल पंडित अते राजेंद्र नूं नेपाल बॉर्डर तो गिरफ्तार किया गया सी। इन्हां तिन्हां नूं काबू करन तो बाद दिल्ली तो पंजाब दे जिला मानसा लियांदा गया सी अते अज मानसा कोर्ट च पेश करके तिन्हां दा रिमांड हासिल किया गया है। इन्हां दी गिरफ्तारी तो बाद गैंगस्टर गोल्डी ब्रांड ने सोशल मीडिया ते पोस्ट साझी कर कहा सी कि काबू किते शूटरां नूं पुलिस सुरक्षित रखे। सिद्धू मूसेवाला कतल कांड विच आखिरी शूटर दी गिरफ्तारी तो बाद हुण कैनेडा बैठा गैंगस्टर गोल्डी ब्रांड पुलिस दे टारगेट ते है अते पुलिस वल्लों उसकी गिरफ्तारी लई केंद्र सरकार नाल संपर्क किया जा रहा है अते आस है कि जल्द ही गोल्डी ब्रांड नूं कैनेडा तो गिरफ्तार करके पंजाब लियांदा जा सकता है। इत्थे भी दसण योग है कि केंद्रीय एजेंसियां ने पंजाब पुलिस नूं हाई अलर्ट ते रहण लई आख्या है, क्योंकि दविंदर बंबीहा गैंग पंजाब विच वड्डी गैंगवार दी ताक विच है अते बंबीहा गैंग पुलिस सुरक्षा च ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अते जग्गू भगवान पूरियां नूं कतल करन दी योजना बना रहा है।